बीच तमाम जो बड़े चेहरे हैं, सियासी दिग्गज हैं, उनके ट्वीट इस निधन को लेकर के आ रहे हैं। और देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि एक पुत्र के लिए माँ पूरी दुनिया होती है, ये असहनीय और अपूर्णीय क्षति है। सीएम योगी ने ट्वीट किया, पीएम की मां के निधन से दुखी हूं, उन्हें मेरा नमन। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें, ओम शांति। सिद्धार्थ, जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती अब पुलिस प्रशासन के लिए भी होगी, क्योंकि अंतिम यात्रा जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं, सुबह 8 बजे से निकाली जा सकती है। प्रधानमंत्री भी थोड़ी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में तमाम जो गणमान्य हैं, न सिर्फ गुजरात के बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के, वो भी जाहिर तौर पर वहां पर पहुंचेंगे। और पूरी जो व्यवस्था है, क्योंकि अंतिम यात्रा जब निकलेगी तो वो पूरा का पूरा रूट उस तरीके से सिक्योर करना, ये वो भी इतनी जल्दी, बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। जी जी ये सबसे बड़े बोल रहा हूँ कि लंबे लगभग 95 लाख से 1 करोड़ के बीच, अगर आप अहमदाबाद को देख ले, अहमदाबाद के आसपास के जिलों को अगर हम देखें तो ये आबादी हो जाती है। और ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या पहले से ही अहमदाबाद में है, और खास करके यह समय जब मोस्टली जो प्राइवेट में नौकरी करने वाले लोग हों, गवर्नमेंट वाले लोग हों, छोटे रेहड़ी पटले वाले लोग हों, वो सुबह से ही यहाँ पे मार्केट खुल जाते हैं 6-7 बजे से। तो अब उसके बाद में ये भीड़ 8-9-10 बजे तक पीक चरम पे होती है, और उस टाइम पर सबका निकलना, क्योंकि हम पूर्व क्षेत्र से, जो यूएन मेहता हॉस्पिटल भी पूर्वी क्षेत्र के अंदर है, तो पूर्वी क्षेत्र का जो एरिया है वो पुराना अहमदाबाद का एरिया गिना जाता है। वो पुराने अहमदाबाद के एरिया के अंदर वैसे ही बहुत दिक्कतें होती हैं, अगर किसी को जाना हो तो अमूमन ट्रैफिक में वो फंसा रहता है, और बड़े शहरों की दिक्कतों से हम सब अवगत रहते हैं, खासकर अहमदाबाद में भी यही बात है। तो अब यहां से एक ऐसा रूट बनाना जिसमें क्योंकि पीएम मोदी हमेशा ये बात बोलते हैं, और इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि जब भी वो आ रहे हैं तब सामान्य नागरिकों को दिक्कत ना हो। मैं परसों का ही आपकी घटना आपको बताता हूं कि जब हम लोग यूएन मेहता पर मौजूद थे और वहां पर पीएम के आने का बिल्कुल एकदम से डिसाइड हुआ, तब आप मानेंगे, बिल्कुल यकीन कीजिए कि पीएम अंदर पहुंच चुके थे, पर फिर भी जितनी भी इमरजेंसी की एम्बुलेंस थी उन्हें बिल्कुल रोका नहीं गया।